क्या गाइज आप लोग अपना रिसोर्स जो पैक होता है यहाँ पे डाउनलोड सेंटर पे, क्या आप लोग इसको पूरी पूरी डाउनलोड करके रखे हो? तो गाइज मैं आपको बोलूँ कि भाई आप लोग बिल्कुल गलत करके रखे हो। जो प्रो बंदे लोग होता है वो कुछ अलग ही करके रखता है, जिससे क्या होता है गाइज वो बंदे लोग का ज़्यादा हेड लगता है, उसके साथ में उसका अच्छा गेम चलता है, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हेड लगता है। तो देखो अगर आप लोग ये सब की सब डाउनलोड करके रखे हो तो भाई आप लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ा गलती किए हो। और गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, जिससे आप लोगों का हेड ज़्यादा लगेगा, साथ में आप लोगों का गेम का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा और आप लोगों का गेम बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि यहाँ पे प्रो लोग क्या क्या यूज़ करता है, क्या डाउनलोड करता है, क्या डाउनलोड नहीं करता है, तो आपको सिंपली क्या करना गाइज ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को मालूम चलने वाला है। सो गाइज इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सुनिए इस पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और गाइज चैनल पर पहली बार तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइज साथ में घंटों को दबा देना। तो देखो गाइज यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो होता है ना गाइज यहाँ पे आता है और गाइज पूरी पूरी यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मोडेड्स में आता है सबकी सब यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेता है। गाइज जैसे देखोगे तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, मतलब गाइज जैसे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पे डाउनलोड है, बाकी सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड नहीं है। उसके साथ में मैप में भी यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड करके नहीं रखा हूँ, फिर यहाँ पे स्पेशल मैप में भी मैं कुछ भी डाउनलोड करके नहीं रखा हूँ, क्राफ्ट लैंड में भी कुछ भी डाउनलोड करके नहीं रखा हूँ। उसके साथ में देखो यहाँ पे स्पेशल जो है स्पेशल सिस्टम में भी मैं कुछ भी डाउनलोड करके नहीं रखा हूँ। फिर कैरेक्टर में आके देखोगे तो यहाँ पे भी ना के बराबर डाउनलोड है, ये क्या डाउनलोड हो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ में यहाँ पे आउटफिट देखोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी कम मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे काफ़ी कम डाउनलोड करके रखा हूँ, तो भाई आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पे कम डाउनलोड करके रखा है उससे फ़ायदा क्या है, और गाइस जो ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड करके रखता है उससे नुकसान क्या है, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे जो ज़्यादा बंदे यहाँ पे सबकी सब डाउनलोड करके रखता है उससे नुकसान क्या है गाइस, सबसे मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो गाइस अगर आप लोग ये सबको डाउनलोड करोगे ना, अगर सबको डाउनलोड करोगे तो पहला नुकसान तो ये आपका जो गेम का साइज होगा वो लगभग 4 GB 4.5 GB के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे दूसरा ये है कि गाइस जैसे कि अगर आप लोग गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम जैसे खेल रहे हो और गाइस सामने कोई बंदा कोई बंडल पहन के आएगा और गाइस अगर आप लोग वो बंडल डाउनलोड करके रखोगे तो गाइस क्या होगा गाइस वो बंडल सीधा आपका फ़ोन में लोड हो जाएगा और गाइस आपका जो फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि सामने वाले बंदे का जो बंडल है वो आप लोगों का फ़ोन में सीधा आ जाएगा। क्योंकि देखो गाइस अगर आप लोग इसको डाउनलोड करके रखोगे तभी आप लोगों का फ़ोन में वो शो करेगा, अगर आप लोग उसको डाउनलोड करके नहीं रखोगे तो फिर शो नहीं करता है। तो देखो गाइस यहाँ पे दूसरा डी एडवांटेज ये होता है कि भाई जैसे कि कोई बंदा कोई भी बंडल पहन के आएगा ना, अगर आप लोगों का फोन में डाउनलोड है तो फिर आप लोगों का फोन में वो लोड हो जाएगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो देखो गाइस यहाँ पे जो प्रो लोग होता है ना वो क्या करता है, सिंपली जो काम का चीज होता है ना वही यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड करता है। जैसे कि देख लो यहाँ पे जो मैं बंडल पहना हूँ सीपीएम में बंडल डाउनलोड किया हूँ, उसके साथ में यहाँ पे पेड हो उसको डाउनलोड किया हूँ, फिर मैं जो गन चलाता हूँ उसका स्किन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। बाकी जैसे देखोगे तो यहाँ पे मैं जैसे आऊँगा तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ M4 डाउनलोड किया हूँ, बाकी सब यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हूँ। एक एक भी देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही जो चलाता हूँ उसी को डाउनलोड किया हूँ, बाकी सब वैसा ही। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे सब के सब वैसा ही है, जो मैं सिर्फ चलाता हूँ उसी को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, जो नहीं चलाता हूँ ना उसको मैं डाउनलोड करके नहीं रखा हूँ। लेकिन गाइस बहुत सारे बंदे क्या करता है वो सबकी सब डाउनलोड कर लेता है, मतलब गाइस यहाँ पे जितना भी चीज़ है वो सब मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड पर लगा देता है, ऑल डाउनलोड पर लगा देता है, जिससे क्या होता है गाइज सबसे पहले उसका फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाता है और गाइज उसके साथ में यहाँ पे जो अगर आप लोग ज़्यादा डाउनलोड करके रख लोगे तो फिर आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस होता है ना गाइज वो घट जाता है, क्योंकि सामने जो बंडे मतलब जो भी बंदा बंडल पहन के आएगा वो आप लोगों को दिखता है, जिससे क्या होता है गाइज आपका फ़ोन में वो बंडल लोड हो जाता है, मेरा मानना है। और गाइज मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखता हूँ, फालतू चीज़ में डाउनलोड ही नहीं करता, उसको मैं डिलीट करके रखा हूँ। तो गाइज अगर आप लोग का भी ज़्यादा डाउनलोड तो गाइज क्या करना है आपको सिंपली डिलीट कर देना है, और गाइज आपको क्या करना है एकदम लाइटवेट रखना है, जो आपका काम का चीज़ है ना उसी को डाउनलोड करना है, बाकी फालतू चीज़ को डाउनलोड मत करना, जैसे कि मैं यहाँ पे करके रखा हूँ। तो आपको भी क्या करना है आपको सबसे पहले सबको डिलीट कर देना है और आप लोग जो बंडल पहन के रखे उसको डाउनलोड करना है, साथ में आप लोगों का जो गन है गन का स्किन है उसको कर लेना, ठीक है। और गाइज आपको ज़्यादा कुछ मत करना, गुलवल भी कर लेना। तो देखो गाइज यहाँ पे प्रो बंदे लोग जो होता है ना वो यही ट्रिक को यूज़ करता हुआ उसका फ़ोन का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाता है, उसका हेड भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि भाई अगर आपका फ़ोन में जितना अच्छा गेम चलेगा उतने अच्छा हेड लगेगा, ये मेरा मानना है। और गाइज सारी बंदे इसी को यूज़ करके क्या करता है हेड मारता है, मैं भी बहुत ही अच्छा हेड मारता हूँ। और गाइज आप लोगों का गेम जितना स्मूथ चलता है ना उतने प्यारा सा हेड लगता है, गन का रिकॉइल समझ लो ख़त्म ही हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना गाइज ये सब जितना भी डाउनलोड करके रखे हो सबको डिलीट करो, जो सिर्फ आप लोग यूज़ करते हो उसी को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गाइज प्रो लोग भी वैसा ही करता है। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद
आया होगा, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। और इस भी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक गाइस आप लोग अपना ख्याल रखना।